हाँ भाई, आज हम देखेंगे भूगोल का हमारा अजैव वक्र, अजैव वक्र या अजैव आरेख, जो संचयी आवृत्ति है उसका विस्तारित रूप, आरेखित रूप जब प्रदर्शित किया जाता है तो उस संचयी आवृत्ति के विस्तारित या जो आरेखी आरेख है उसे हम अजैव वक्र के नाम से जानते हैं। संचयी आवृत्तियों के विस्तारित स्वरूप को जो आरेखित रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो उसे अजैव वक्र या आरेख के नाम से जाना जाता है। से कम वाला हमने पहले पढ़ लिया है तो अब हमें देखना है कि से अधिक कैसे बनता है, संचयी आवृत्ति से अधिक कैसे बनती है। तो ये हमारा वर्ग है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। ये आवृत्तियां हैं इनकी। एक प्राप्तांक इस रेंज में जो है उसमें कितने कितने स्टूडेंट आए हैं, 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाले 4 स्टूडेंट है, 10 से 20 अंक प्राप्त करने वाले 5 स्टूडेंट है, ऐसे 20 से 30 अंक प्राप्त करने वाले 5 स्टूडेंट है, तो ये हमारी आवृत्ति होगी। 90 से 100 अंक लाने वाले 4 स्टूडेंट हैं। अब अगर हम देखें तो इनका टोटल ऑफ नंबर है, अगर हम देखें कुल बच्चों की संख्या कितनी है, 60 है। अब हम देखें कि से अधिक, तो से अधिक में निम्न सीमा से निकाला जाता है वर्ग की। जब निम्न सीमा को हम देखते हैं, 0 से अधिक अंक लाने वाले कितने स्टूडेंट है, तो वो है 60, क्योंकि सबके 0 से अधिक आए हैं, तो आवृत्ति में संचयी आवृत्ति कितनी आएगी, 60। अब से कम में तो हम इनको जोड़ते हैं और से अधिक में हम इनको घटा देते हैं, तो 60 से कम जो है, 0 से 10 है वो 60 है, फिर उसके बाद 10 से 20 अंक लाने वाले अर्थात 10 से अधिक अंक लाने वाले, हमें ये जो है ये वाला भाग हमारा जो निम्न सीमा है उसको ध्यान में रखना। तो 10 से अधिक कितने लाए हैं, 56, अर्थात 60 में से 4 गए तो 56 बचे। ऐसे ही 20 से अधिक अंक लाने वाले कितने हैं, तो 56 में से 5 गए तो 51 बचे। ऐसे 30 में से अधिक अंक लाने वाले कितने हैं, तो 51 में से 5 गए तो 46 बचे। तो इस प्रकार हम संचयी आवृत्ति इसको घटा करके और अगली आवृत्ति प्राप्त कर लेंगे। 40 से अधिक अंक लाने वाले कितने हैं, तो 46 में से 7 गए तो 39 जो स्टूडेंट है वो हमारे 40 से अधिक अंक प्राप्त किए हुए हैं उनको। ऐसे ही 50 से अधिक अंक लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, तो 39 में से 6 गए तो 33 स्टूडेंट है ऐसे हैं जिनके 50 से अधिक अंक आए हैं। ऐसे ही 60 से अधिक अंक आने वाले कितने हैं, वो हैं हमारे 33 में से 10 गए तो 23 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 60% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। 70 से अधिक अंक लाने वाले 23 में से 8 गए तो 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 70 से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। 80 से अधिक अंक लाने वाले जो हैं, तो हम 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 स्टूडेंट हैं, और 90 से अधिक अंक लाने वाले 9 में से 5 गए तो 4 स्टूडेंट। इस प्रकार हमने संचयी आवृत्ति ज्ञात कर ली। अब संचयी आवृत्ति के आधार पर हम वक्र को निर्धारण करेंगे। वक्र का निर्धारण कैसे करेंगे, वही हमारा एक्स और वाई दो जो है हमारे वो चर हैं। अब एक्स की तरफ है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है अर्थात सीएफ, जो छात्रों की कुल संख्या को प्रदर्शित करता है। इसमें एक एक सेंटीमीटर पे हमने क्या मान लिया, 10 स्टूडेंट को मान लिया, तो एक सेंटीमीटर पे 10 स्टूडेंट के हिसाब से हमने 7 सेंटीमीटर ले लिया। दूसरी तरफ प्राप्तांक है आपके, तो प्राप्तांक को अगर हम देखें तो 0 से अधिक, तो 0 से अधिक वाले हमने लिख लिए, तो एक एक सेंटीमीटर से हमने इसको गैप देकर के लिख लिया। 0 से अधिक कितने हैं, 10 से अधिक कितने हैं, 20 से अधिक, 30 से अधिक, 40, 50, 60, 70 और 90 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कितने स्टूडेंट हैं। इसमें जो ऊपर से नीचे ग्राफ की आएगा, कम से कम में तो नीचे से ऊपर जा रहा था, लेकिन इसमें ग्राफ है वो ऊपर से नीचे आएगा। अब क्या होगा, देखो 0 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 60, तो 0 पे हमारे कितने आ गए, 60। 10 से अधिक 56, तो 56 पे निशान लगाएंगे। अब क्योंकि यहां हमने मापक माना है 10 मिलीमीटर या
एक सेंटीमीटर बराबर 10 छात्र, अर्थात एक मिलीमीटर क्या हो गया, एक छात्र को प्रदर्शित कर रहा है। तो अब हमारे यहां पर 10 से अधिक 56 छात्र हैं, तो 56 के लिए 5.6 मिलीमीटर ऊपर निशान लगा देंगे हम। फिर 20 से अधिक लाने वाले 51 छात्र, तो 20 से ऊपर हम 51, तो 51 पे निशान लगाएंगे। फिर 30 से अधिक अंक लाने वाले कितने हैं, 46 छात्र, 4.6 सेंटीमीटर ऊपर निशान लगा देंगे। यहाँ 40 आ गया तो यहाँ हमारा 46 हो जाएगा। फिर 40 से अधिक 39 बच्चे लेके आए, तो 40 की इस लाइन में हमें 39 अर्थात 3.9 सेंटीमीटर ऊपर निशान लगाना है। फिर 50 से अधिक अंक लाने वाले छात्र 33, तो यहां पर 3.3 सेंटीमीटर ऊपर निशान लग जाएगा। 60 से अधिक अंक कितना से प्राप्त किए हैं, 23 स्टूडेंट ने, तो 60 से अधिक हम 23 अर्थात 2.3 सेंटीमीटर ऊपर निशान लगा देंगे मापक के हिसाब से। फिर 70 से अधिक 15 छात्र हैं, तो 70 से अधिक हम 15 छात्र के ऊपर, यहां 15 छात्र के ऊपर निशान लगा देंगे। फिर 80 से अधिक कितने हैं, तो 80 से अधिक 9 हैं, तो 80 से अधिक 0.9 अर्थात 1 मिलीमीटर में एक कम, तो वहां पर निशान लगा देंगे हम। और 90 से अधिक कितने हैं, केवल 4 स्टूडेंट हैं, तो 90 से अधिक हम 0.4 पर निशान लगा देंगे। इस प्रकार अब इन बिंदुओं को मिलाते हुए हम क्या कर देंगे, एक रेखा बना देंगे। ये वक्र जो हमारा है, ये आरेख जो हमारा है, इसे से अधिक कहा जाएगा, औजाई वक्र, अर्थात ये से अधिक को प्रदर्शित कर रहा है संचयी आवृत्ति को। से अधिक संचयी आवृत्ति है उसको प्रदर्शित कर रहा है।